नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं। बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक ओर जहां नीतीश कुमार जी को अल्टीमेटम दे दिया है जातिगत जनगणना वाले मसले पर स्टैंड क्लियर करने को लेकर के और अपनी बात को रखने के लिए, वहीं दूसरी ओर राजद परिवार के भीतर ही, राजद पार्टी के भीतर ही सियासी उठापटक तेज हो गया है। एक बड़ी खबर आ रही है जो भातला की टीम आपको बता रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जी ने लालटेन से खुद को अलग कर लिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हमने देखा कि एक ओर जहां जो पार्टी की ओर से, पार्टी के आला कमान की ओर से सबको निर्देशित किया गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ में जाकर के अभी कुछ नहीं बोलना है, वस्तुतः अभी कुछ बोलना ही नहीं है। 3 दिन का जो अल्टीमेटम का जो समय दिया गया है उसमें धैर्य पूर्वक इंतजार करना है नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम का। ऐसे में आपको बता दें कि आपको याद होगा कि राजद जो है वर्तमान समय में बेहद सुर्खियों में रहा है। ऐसे में हमने देखा है कि किस प्रकार से राजद में जो है जो कदावर नेता है, हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी के एक्शन को लेकर के, तेज प्रताप यादव जी और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनका विवाद काफी पुराना है। हमने यह देखा कि किस प्रकार से जो है भरे मंच से तेज प्रताप यादव जी कह देते हैं जगदानंद सिंह जी को कि वे जो है हिटलर के भूमिका में है, हिटलर की तरह हिटलर शाही करते हैं, पार्टी पे अपनी विचारधारा को, अपनी बात को जो है थोपते रहते हैं। इसके बाद जगदानंद सिंह जी किस प्रकार से नाराज हो गए थे और 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए नहीं आए थे। काफी मान मनोबल के बाद बात भी बनी थी। इसके बाद हमने देखा था कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जी के मध्य जो कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध जो तेज प्रताप यादव जी बताते थे, उस संबंध में भी विच्छेद नजर आया था। संबंध का जो डोर है वो कमजोर होते हुए नजर आया था। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव जी ने लालटेन से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने राजद से अलग हट करके छात्र जनशक्ति परिषद नाम से उन्होंने एक अलग मोर्चा बनाया था, जिसका उन्होंने कमेटी भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वे खुद हैं। ऐसे में उस समय जो है आपको बता दें कि जो तेज प्रताप यादव जी ने सीधे तौर पे कहा था कि ये जो परिषद जो बना है वो अलग होकर के राजद को मजबूत करने का ही काम करेगी। लेकिन आपको बता दें कि खबर ये आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी ने इस पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया है और उन्होंने लालटेन चिन्ह को हटाने का काम किया। दरअसल तेज प्रताप यादव जी लालटेन चिन्ह को ही, जो लालटेन राजद का जो चिन्ह है उसे ही जो है छात्र जनशक्ति परिषद का चिन्ह बनाने पर तुले हुए थे और लेटर पैड पर भी राजद लिखे हुए थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके बाद एक्शन लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी और इसके बाद तेज प्रताप यादव जी को लालटेन को जो है छोड़ना पड़ता है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जी का जो मोर्चा है छात्र जनशक्ति परिषद, उन्होंने लालटेन छोड़ करके बांसुरी का हाथ थाम लिया है और इसके बारे में जो छात्र जनशक्ति परिषद है उसकी ओर से आधिकारिक बयान भी आ गया है। उसमें कहा गया है कि जो उनके छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि तेज प्रताप यादव जी, वे उन्हें जो है बांसुरी बहुत बजाना बहुत पसंद है। तो ऐसे में जो पार्टी का जो चिन्ह रखा गया है, परिषद का जो चिन्ह रखा गया है, चुनाव चिन्ह, वे बांसुरी रखा गया है। इसके बाद ही उन्होंने कहा है कि जो है वे तेज प्रताप यादव जी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, बहुत अच्छा बांसुरी बजाना जानते हैं, तो इसलिए जो है उन इसके जो छात्र जनशक्ति परिषद का जो चिन्ह बनाया गया है, चुनाव चिन्ह बनाया गया है, वो बांसुरी छाप बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जी ने पिछले दिनों ही ट्विटर के कवर पेज में से, जहां पहले उन्होंने रखा था श्री कृष्ण और अर्जुन का जो गीता उपदेश देते हुए जो तस्वीर लगा रखी थी उसे उन्होंने बदल दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि संबंध में जो तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव के बीच में कृष्ण अर्जुन का संबंध बताते थे उसमें भी कहीं ना कहीं दूरी दिखी थी, संबंध विच्छेद दिखा था। लेकिन अब जो है तेज प्रताप यादव जी ने लालटेन से खुद को अलग कर लिया है और लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर किया है और ऐसे में बातें अब क्या होती है, तेज प्रताप यादव जी किस प्रकार से एक्शन लेते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि तेज प्रताप यादव जी को राजद से, मतलब या तो स्वतः कहिए या परिस्थिति ऐसी बनी, लेकिन लालटेन से भी तेज प्रताप यादव जी को हाथ धोना पड़ा है। जोड़ा मतलब के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।